नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड क्रम। ये ब्रेड क्रम हम बची हुई जो ब्रेड होती है उससे बनाएंगे। हमने पहले उसका यूज़ कर लिया था। ये वो ब्रेड है जो हमारी पहले रेसिपी में बच गई थी, उससे हम ब्रेड क्रम बना रहे हैं। उस दिन हमने यूज़ की थी चमचम बनाने के लिए ब्रेड, जो हमारी काफ़ी ब्रेड अलग बच गई थी उससे हम बनाएंगे ये ब्रेड क्रम। बची हुई ब्रेड को हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। इस तरीके से ब्रेड क्रम बनाने से काफ़ी लंबे समय तक हमारा ब्रेड क्रम चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें आधे जो ब्रेड के पीसेस हैं उसको डाल देंगे। दो बैचेस में इसको अच्छे तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि इसकी नमी सारी ख़त्म हो जाएगी, लंबे समय तक हमारा ब्रेड क्रम चल जाएगा। इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर ही हमें अच्छे तरीके से सेकना है। हल्का सा हमारी ब्रेड का कलर चेंज हो गया है। इसी तरीके से चलाते हुए हमें सभी ओर से चलाते हुए अच्छे तरीके से इसको ब्रेड को सेक लेना है। हमारी ब्रेड अच्छे तरीके से सिक चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसमें दूसरा बैच डाल देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। हमने दोनों बैचेस को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ब्रेड के पीसीज को लगभग आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम इसको मिक्सी जार में डालकर इसका ब्रेड क्रम बना लेंगे। हमने इसको मिक्सी जार में डालकर इसका ब्रेड क्रम बना लिया है। इसको ज़्यादा महीम नहीं करना, हो सके तो एक दो बारी इसको चलाएं। इससे बहुत बढ़िया ब्रेड क्रम बनेगा। हम इसको दरदरा सा ही रखेंगे। देखिए, हमारा ब्रेड क्रम बन चुका है। अब आप इसको किसी भी एयर कंटेनर डब्बे में भरकर रख सकते हैं और इसको किसी भी रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, इससे आपकी रेसिपी बनेगी। आप भी इस तरीके से ब्रेड क्रम बनाकर लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।